जीना चाहती हूं, मुझ पर आप इन्फोर्स ना करें। कुदरती तौर पे कुछ ऐसी चीजें अकर कर रही हैं हमारे यहाँ कि मारियावासी जैसी लड़कियां इसको सपोर्ट कर रही हैं। शी हैज राइट टू से एनीथिंग शी वांट्स टू, आई डोंट से एनीथिंग अगेंस्ट हर, बट द इशू इज वो फरमा रही हैं कि देयर इज नथिंग अगेंस्ट द मैन। आइए जरा इनके स्लोगन्स को चेक करें, मेरा जिस मेरी मर्जी पर बाद में आते हैं, अपना खाना खुद गर्म करो, किसको बोल रही है? अम्मी को। मुझे क्या पता तुम्हारा मौजा कहां है, किसको कह रही है? छोटी बहन को। मैं तुम्हारा खाना गर्म कर देती हूं, अपना बिस्तर खुद गर्म करो, किसको कह रही है? हाँ, खाला को। मैं हैरान होता हूं कि आप धूल झोंकने की कोशिश कर रही है मर्दों की आंखों में। मेरा जिस मेरी मर्जी नारा आया है 90s में, जब अबॉर्शन के लिए फाइट करने निकली है कि इसको लीगलाइज कर दिया जाए इन अमेरिका, इन कनाडा, इन यूरोप, उसको हमारे यहां, क्योंकि हमारे यहां वहां जब मैसेज सिस्टम फ्लॉप हो गया तो हमारे यहां इंट्रोड्यूस हो गया था वो, जहां चीजें वहां जब चीजें मर जाती हैं, यहां हमारे सोशल सेटअप में जिंदा हो जाती हैं। फिर जरा मुझे बताइए, मेरा जिस मर्जी, मेरा जिस मेरी मर्जी, ये मर्जी आपने तय किया कि कब से शुरू होगी? जब बच्ची 2 साल की होगी, 4 साल की होगी, 6 साल की होगी, 8 साल की होगी, 15 साल की होगी? कौन सी टाइम लिमिट्स डिफाइन की हुई आपने? वो क्यों पाले फिर बाप, जिसको गाली दे रही है आप इधर सरी निजाम का नाम लेके? उसको ये बताइए तो सही है, कौन सा साल है जब आपकी मर्जी शुरू हो जाएगी आपके जिस्म के ऊपर? हाँ, आप फैमिली सिस्टम को तोड़ने की कोशिश कर रही हैं? नो 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 नो, आप समझिए, आप नहीं समझना चाहती, आप खुदा के वास्ते लोगों को, बच्चियों को वरगलाइए मत। और मैं, मुझे तो समझ जाती है जो बोल रही हैं मेरी फ्रेटर्निटी से औरतें, इनके साथ क्या हुआ है, वो कौन से राइट्स इनके छिन गए हुए हैं? दे आर एंजॉय